लाइफ में अगर आपके पास कभी भी चॉइस ना हो, आपको फ्रीडम ना मिले, तो उस फ्रीडम को पाने के लिए किस हद तक आप जा सकते हो, या सही क्या गलत, इसमें क्या डिफरेंस होगा। इसी एक थीम को लेकर आज की हमारी मूवी इनसिक्योरिटी ये आती है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक लगता है, पर बाद में स्टोरी के कैरेक्टर्स ये डार्क टर्न लेते हैं। एक अफेयर लाइफ और डेथ का गेम बन जाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि फादर अपनी छोटी बेटी को अपनी सिस्टर के पास छोड़ जाते हैं। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और वो खुद अकेले अपनी बेटी को संभाल नहीं सकता था। सिस्टर का नाम था मैडम रिक्विन, हम इसे पूरी मूवी में मैडम बुलाएंगे। ब्रदर कहता है मैं जल्द ही आकर मेरी बेटी को लेकर जाऊंगा, तब तक इसका ख्याल रखना। अपनी सिस्टर को थोड़े से पैसे उसने दे दिए और कहा कि मैं और भी भेजता रहूंगा। ये जो छोटी लड़की थी इसका नाम था तेरेस। मैडम को एक बेटा है जिसका नाम है कमिल। कमिल हमेशा बीमार रहता है। इनके पास एक्स्ट्रा रूम नहीं था तो मैडम तेरेस और कमिल को एक ही रूम में सुलाती है। तेरेस ने अपने फादर को बहुत मिस किया। वो हमेशा सी को देखकर अपने फादर की याद करती थी। उसे लगता था कि वो जल्द ही आ जाएंगे, पर वो आए ही नहीं। बचपन से लेकर बड़े होने तक तेरेस को कमिल का ख्याल रखना पड़ा। उसके फादर कभी वापस नहीं आए। मैडम कहा करती थी मेरे ब्रदर ने कभी भी कोई भी प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया, वो तुम्हें लेने के लिए भी नहीं आएगा। टेरेस बड़ी हो चुकी थी तो अपनी बॉडी उसने डिस्कवर की। फील्ड पर जो वर्कर काम करता था उसे देखकर वो अपने आप को प्लीज करती थी। एक दिन जब वो घर पर आए तो कमिल बाहर था। कमिल की तबीयत खराब होती है तो मैडम कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देती थी। टेरेस कमिल से कहती है कि मुझे किस करो। कमिल इस बात को सही से समझ नहीं पाता, उसे गाल पर वो किस करता है। टेरेस उसे बता रही थी मुझे इस तरीके से किस नहीं चाहिए। तभी वहां मैडम आ गए। मैडम टेरेस को न्यूज देती है तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। टेरेस के फादर ने कुछ पैसे छोड़े थे, इससे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जरा ठीक करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन गुजर चुके हैं। आज कमिल बहुत ही खुश था क्योंकि उसे पेरिस में जॉब मिल चुका है। वहां पर अकाउंटिंग का जॉब वो करेगा। अपनी मदर को कह रहा था कि अब हम सब वहां मूव होंगे। मैडम पहले मना करती है पर कमिल कहता है आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मुझे अब इस घर का कंट्रोल लेना चाहिए। अपने बेटे को रिस्पॉन्सिबल देखकर मैडम को भी अच्छा लगा। मैडम का भी एक सपना था कि उसका एक छोटा सा शॉप हो, पेरिस में ये शॉप वो खोलने वाले हैं। मैडम ने कहा जाने से पहले हम शादी कर लेंगे। टेरेस कहती कि किसकी शादी। मैडम ने कहा कि तुम्हारी और कमिल की। टेरेस इस पर कुछ भी नहीं बोलती। मैडम ने कहा तुम्हारी मदर का कोई भी अता पता नहीं था, तुम एक इलीगल चाइल्ड हो। ये वक्त हमारा 1800s का था तो मैडम ने कहा इलीगल चाइल्ड को सही से ट्रीट नहीं किया जाता। मैडम ने टेरेस को ऑफर दी तो उसे थैंकफुल होना चाहिए। टेरेस के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे कमिल से शादी करनी पड़ी। इसके बाद ये डायरेक्टली पेरिस आ चुके हैं। इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो डार्क रूम्स वगैरह इन्हें लेने पड़ते हैं। कमिल को अच्छा नहीं लगा पर फिर भी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर टेरेस को हम बांस के फ्रेम में देख सकते हैं, यानी कि उसे लग रहा था कि वो जेल में है। कमिल अपना काम स्टार्ट करता है और दिन भर घर के बाहर ही रहता है। टेरेस उससे पूछती है क्या तुम अपने काम से खुश हो। कमिल कहता है मुझे वो पसंद तो नहीं है। वो घूमने के लिए जू चला जाता है, वहां पर उसे बहुत अच्छा लगता है। आज रात टेरेस कमिल के साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर कमिल कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हर ट्यूजडे को मैडम के यहाँ एक गैदरिंग होती है। सिटी के कुछ ऑफिशियल, उसके पहचान के लोग ये सब गेम्स खेलने के लिए आया करते हैं। आज यहाँ कमिल अपने एक फ्रेंड को लेकर आया, इसका नाम था लॉरेंट। लॉरेंट कमिल का बचपन का फ्रेंड है, उसी के ऑफिस में काम करता है। मैडम भी लॉरेंट को देखकर बहुत ही खुश थी, वो कितना बड़ा हो चुका है। मैडम के सब फ्रेंड्स में एक पुलिस ऑफिसर भी था, वो डेड बॉडीज के बारे में बात कर रहा था। लॉरेंट एक आर्टिस्ट है तो कहता है मैंने डेड बॉडीज के भी पेंटिंग बनाई है। उसे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। लॉरेंट ने कहा कि मैं न्यूड मॉडल्स की पेंटिंग बनाया करता था। टेरेस से बात सुनकर इंटरेस्टेड हो गए। वो कहता है एक बार मेरे फादर ने मुझे पकड़ लिया, उन्हें शौक लगा और सीढ़ी से वो नीचे गिर गए थे। इसके बाद वो कभी भी घर में पेंटिंग नहीं बनाता। लॉरेंट ऐसा आर्टिस्ट है जो अपने आर्ट के लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं करेगा, उसे लाइफ में चीजें आसानी से चाहिए। लॉरेंट ने यह सब बातें की उस पूरे टाइम टेरेस उसे देख रही थी। लॉरेंट उसे देखते हुए पकड़ लेता है तो टेरेस को घुटन महसूस होने लग गई।
कमिल भी रॉरेन के आर्ट में इंटरेस्टेड था तो कहता है मेरी तुम पेंटिंग बनाओ। ये जब पेंटिंग बना रहे थे तभी टेरेस भी इनके साथ थी। कमिल न्यूड पेंटिंग्स के बारे में लॉरेन से पूछता है। कमिल ने भी न्यूड पेंटिंग करने का ट्राई किया था पर वो नर्वस हो जाता था। लॉरेन कहता है कि जब भी मैं किसी मॉडल की पेंटिंग करता हूँ तो उसमें हिप्नोटाइज हो जाता हूँ। उस मॉडल में और मुझ में एक डिजायर क्रिएट हो जाती है। मैं एक दिन मॉडल के पास गया, उसे टच किया, उसके बाद हम इंटीमेट हो गए थे। कमिल कहता है कि उसने कुछ कहा नहीं। लॉरेन ने कहा कि वो फिर से मुझे चाहती थी। ये सब बातें सुनकर टेरेस अनकंफर्टेबल हो गई। कमिल की पेंटिंग होने के बाद सब लोग इसे देखते हैं। मैडम को पेंटिंग बहुत ही अजीब लगी, लाइफलेस लगी, पर फिर भी ये पेंटिंग अच्छी थी। सब लॉरेन से इम्प्रेस हो गए। कमिल को कुछ काम था तो अब रूम में लॉरेन और टेरेस ये दोनों अकेले ही थे। इन दोनों में पूरे वक्त एक केमिस्ट्री थी। लॉरेन ने टेरेस से कहा कि अपने कपड़े उतारो। टेरेस डर रही थी तो लॉरेन कहता है हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, जल्दी से इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद इनका मिलने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। एक दिन ट्यूजडे पर कमिल ने फिर से लॉरेन को अपने घर पर बुलाया। रात में जाने से पहले लॉरेन सुबह ही टेरेस के पास आ जाता है। इस बार ये टेरेस के बेडरूम में ही थे। लॉरेन को लगता है कि टेरेस का वेडिंग बेड है, यहाँ पर इंटीमेट होना गलत होगा। टेरेस कहती कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लॉरेन सरप्राइज था, जब फर्स्ट टाइम वो टेरेस से मिला था तो बहुत ही डरी हुई थी, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे। रात में जब ये गेम खेल रहे थे तो टेरेस की मूव्स अच्छी थी। टेबल पर का एक आदमी कहता है कि जो लोग शांत होते हैं, कम बोलते हैं, उन्हीं से हमें डर कर रहना चाहिए। पता नहीं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। मैडम जब नीचे स्टोर संभालती थी तो हमेशा टेरेस बहाना बनाती थी उसका सर दुख रहा है। वो जब बेडरूम में आती तो लॉरेन ऑलरेडी वहां होता। ये इंटीमेट हो जाते, ये इसी तरीके से अपना अफेयर कंटिन्यू करते। टेरेस लॉरेन से कहती है तुमने मुझे बहुत ही लेट ढूंढा। लॉरेन कहता है कि ऐसा नहीं है, सब कुछ टाइम में ही है। टेरेस उसे कहती है प्लीज मुझे इस सब से बचा लो। एक रात टेरेस अपने बेड से उठकर खिड़की में देख रही थी। कमिल जग गया तो उसे पूछता है कि क्या कर रही हो। टेरेस कहती है कि मैं रिवर का आवाज सुनने की कोशिश कर रही हूँ। बचपन से उसके फादर वापस आएंगे इसलिए सी का आवाज वो सुनती रहती थी। आज भी जब वो रिवर का आवाज सुन रही है तो अपना फ्रीडम वो चाहती है। एक दिन लॉरेन और टेरेस एक साथ थे। टेरेस उससे कहती है फर्स्ट टाइम मैं जब तुमसे मिली थी तो मैंने तुम्हें हेट किया था। लॉरेन पूछता है क्या तुम अब भी मुझसे हेट करते हो। टेरेस ने कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। लॉरेन कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। आजकल कमिल जरा परेशान था, टेरेस कुछ खोई खोई सी लगती है। वो लॉरेन से इस बात के बारे में बात करता है। वो कहता है कि कमिल मुझसे दूर जा रही है। जब वो अपने विलेज में रहा करते थे तो सब कुछ ठीक था। लॉरेन कहता है सिर्फ तुम उससे प्यार करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रात में फिर टेरेस कमिल के साथ इंटीमेट हुआ। टेरेस इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। और भी कुछ दिन चले गए पर कमिल को अभी भी लगता है कि टेरेस उससे दूर जा रही है। उसने डिसाइड किया अब वो फिर से अपने विलेज में चला जाएगा। ये बात उसने टेरेस से कही तो टेरेस बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। वो कहती है अब हमारी पूरी लाइफ यहाँ है, तुमने मुझसे इस बारे में डिस्कस भी नहीं किया। कमिल कहता है घर के सारे डिसीजन मैं लेता हूँ, मुझे तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। एक रात जब टेरेस और लॉरेन मिले तो टेरेस उसे सब कुछ बताती है। इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, कमिल को मार डालेंगे। लॉरेन कहता है कि एक्सीडेंट की तरह लगेगा, कोई भी वरी मत करो। टेरेस जा रही थी तो उससे पूछता है क्या तुम मेरी हो। टेरेस कहती कि हाँ, उसने भी यही चीज उससे पूछी। लॉरेन भी इसके लिए हाँ कहता है। अगले दिन ये तीनों मिलकर एक पार्क में आए। टेरेस कहती है कि मुझे आसपास पानी की आवाज आ रही है। वो बोटिंग करना चाहती थी पर कमिल बहुत ही ज्यादा थक चुका था, वो यही पर लेटकर सो जाता है। लॉरेन भी इनके पास बैठा। यही पार्क में वो टेरेस को टच करने लग गया। अचानक से इनके जान पहचान के लोग यहाँ आ गए पर उन्होंने कुछ भी देखा नहीं था। उन्हें भी बोटिंग करनी थी तो आगे चले गए। थोड़ी देर में कमिल के उठने के बाद ये सारे बोटिंग के लिए जाते हैं। टेरेस बोट में आ नहीं रही थी, वो अपने प्लान को सेकंड गेस कर रही है। वो कमिल को मारना नहीं चाहती। लॉरेन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद टेरेस भी उसके साथ चली गई। हम डायरेक्टली देखते हैं कि लॉरेन टेरेस को स्विम करता हुआ किनारे तक लेकर आया था। इन्होंने प्रिटेंड किया इनकी बोट डूब गई। इसमें कमिल की डेथ हो गई।
ये दोनों मिलकर रोने का प्रिटेंड करते हैं। इनके पहचान के सब लोग आसपास ही थे तो उन्हें घर लेकर आए। रात भर सब लोग कमल की बॉडी ढूंढ रहे थे। फाइनली बॉडी मिली तो लॉरेन को पहचानने के लिए कहा जाता है। उसे बॉडी देखकर उल्टी आ गई। इसके बाद फ्यूनरल हुआ और कुछ दिन बीत गए। एक दिन टेरेस और लॉरेन ही इंटीमेट हो जाते हैं। मैडम बहुत ही ज्यादा दुख में थी। वो टेरेस से कहती है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तुमने हमेशा उसका ख्याल रखा है, तुम इसे मरने कैसे दे सकती थी, उसकी डेथ हो गई और तुम बच गई, ये कैसे पॉसिबल है। मैडम की एक फ्रेंड उसे संभालती है, कहती है कि इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है। अब कमिल की डेथ को 8 मंथ्स हो गए थे पर मैडम अब भी गम में थी। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर फिर से ट्यूजडे नाइट स्टार्ट करते हैं। मैडम ने कहा, किसी को डूबने में कितना टाइम लगता है। वहां सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बात को उसे जाने देना चाहिए, इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता। मैडम जरा गुस्सा हो गई तो सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। लॉरेन ने मैडम को सहारा दिया, कहा यू लोग आपके लिए केयर करते हैं। कमिल के जाने के बाद लॉरेन इनकी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बन चुका था। इतना सारा टाइम हो चुका पर फिर भी टेरेस को रात में डरावने सपने आते हैं। उसे लगता है कि टेरेस उसे नींद में सफोकेट कर रहा है। एक्चुअली किसी भी आदमी को मारने के बाद उसकी गिल्ट बहुत ही ज्यादा होती है। बहुत सारे किलर्स का एक्सपीरियंस है, किसी की जान लेने के बाद वो डिस्टर्ब हो चुके थे। अब यही चीज टेरेस एक्सपीरियंस कर रही है। हर बार उसे कमिल की याद आती रहती है, वो आजकल खुश नहीं रह सकती है। एक दिन लॉरेन टेरेस से मिलने के लिए आया, उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। टेरेस कहती है कि अब भी मुझे कमिल के डरावने सपने आ रहे हैं। यही चीज लॉरेन भी अपने खुद के लिए एक्सपीरियंस करता है, वो भी बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है। टेरेस कहती है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। लॉरेन कहता है, यहाँ पर तुम्हारी पूरी लाइफ है, तुम्हारा शॉप है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। टेरेस ने कहा, ये शॉप मेरा नहीं है, ये पूरे मैडम के ही नाम पर है। ये सुनकर लॉरेन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। टेरेस को शक जाता है कि शायद लॉरेन उसके पैसों के लिए उसके साथ है। लॉरेन टेरेस से कहता है, इस सब लोगों के सामने तुम नाटक करो, ये टेरेस की तुम्हें बहुत याद आती है। मैडम के फ्रेंड्स ने नोटिस किया। एक दिन जब वे मिले तो सब मिलकर मैडम को समझाते हैं कि टेरेस की अब शादी कर देनी चाहिए, वो बहुत ही दुखी है। मैडम कहती कि किसके साथ वो शादी करेगी। वो कहते हैं कि लॉरेन के साथ। किसी स्ट्रेंजर के साथ शादी करने से अच्छा वो कमिल के फ्रेंड से ही शादी करे। ये सारे इस बात को मान गए। टेरेस और लॉरेन ही अलग रूम में थे। टेरेस कहती है, तुम किसी और के साथ थे, मैं उसका सेंट तुम पर स्मेल कर सकती हूँ। लॉरेन कहता है कि एक थी पर मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, मैं नींद में ही तुम्हारा ही नाम लेता रहता हूँ। सब लोग इनके पास आए और कहा कि तुम दोनों को शादी करनी चाहिए। ये दोनों भी मान जाते हैं। इन दोनों की शादी के बाद मैडम ने अपनी विल चेंज की है। मैडम की डेथ के बाद उसके सारे पैसे टेरेस और लॉरेन को मिलेंगे। वेडिंग नाइट पर लॉरेन कहता है कि आज वही रात है जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। टेरेस लॉरेन से पूछती है, कमिल की डेथ कैसी हुई थी, क्या उसने स्ट्रगल किया था। लॉरेन कहता है कि तुम भी वहां थी, क्या तुमने देखा नहीं। टेरेस ने कहा, मैंने मेरी आंख बंद कर ली थी। लॉरेन कहता है, मैंने शांति से उसे पानी में डाल दिया था। टेरेस उस पर चिढ़ गई, कहती है कमिल ने बहुत स्ट्रगल किया था, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। लॉरेन कहता है, तुम भी तो वही जाती थी। कमिल को मारने के बाद इन दोनों की लाइफ हेल बन चुकी है। इसके बाद कुछ टाइम गुजर गया। टेरेस लॉरेन और मैडम एक दिन पार्क में गए हुए थे। मैडम कभी भी शौक से उभरी नहीं। आजकल वो बहुत सारी स्टोरीज बताती है। अब भी वो बताना स्टार्ट करती है तो लॉरेन इसे पक चुका था। इस बार स्टोरी बताते हुए मैडम को कमिल दिखा। इस शौक की वजह से उसे अटैक आया। इसके बाद वो पैरालाइज हो चुकी थी और कुछ भी बात नहीं कर सकती थी। अब इन दोनों को मिलकर इसका ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन लॉरेन जब मैडम को उठाकर लेकर जा रहा था तो उसे आइडिया आई कि ऊपर से उसे फेंक देगा। पर टेरेस ने उसे कहा, पैसों के लिए तुम्हें हम दोनों की सिग्नेचर लगेगी। यानी कि टेरेस मैडम को बचा लेती है। इनके मैरिज में भी अब प्रॉब्लम चल रहे थे। लॉरेन को टेरेस का बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। आजकल लॉरेन भी हमेशा ड्रिंक करता रहता है। एक दिन मैडम के सामने इन दोनों की फाइट हो गई। टेरेस लॉरेन को ही कमिल को मारने का दोषी मानती है। लॉरेन जोर से चिल्लाकर टेरेस से कहता है, हम दोनों ने मिलकर उसे मारा। यह सब बात मैडम ने सुनी और वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो सब सुनने के बाद बहुत रोती है।
एक दिन ट्यूजडे पर मैडम से मिलने के लिए उसके सब फ्रेंड्स आए हुए थे। वो टेबल पर अपने हाथ से कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत ट्राई करती है। उसने टेरेस और लॉरेन का नाम लिखा। वो आगे लिख पाती कि इन दोनों ने मिलकर कमिल को मार डाला, पर वो बहुत ही एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। उसके फ्रेंड्स को भी ये बात समझ में नहीं आई। एक दिन मैडम शॉप में थी तो उसे पेन और इंक दिखी। वो इसे लिखने की कोशिश करती है पर उसकी इंक नीचे गिर गई। थोड़ी देर में जब टेरेस मैडम के पास आई तो मैडम अपनी स्टिक से टेरेस को मारना चाहती थी। टेरेस कहती कि ट्राई करो, मार डालो, तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम्हारी वजह से मुझे जबरदस्ती कमिल के साथ शादी करनी पड़ी। टेरेस आजकल बहुत ही डिस्टर्ब थी तो बार में जाकर ड्रिंक भी करने लग जाती है। वो लॉरेन के साथ आजकल इंटीमेट नहीं होना चाहती। अगले दिन जाकर लॉरेन ने पॉइजन बाय कर घर लाया। वो मैडम और टेरेसा इन दोनों को मार डालने वाला था। लास्ट सीन में हमने देखा कि मैडम की इंक नीचे गिर गई थी। अगले दिन जब उसकी फ्रेंड उसे मिलने के लिए आई तो मैडम ने फ्लोर पर लिखा हुआ है कि टेरेस और लॉरेन ने मिलकर कमिल को मार डाला। ये देखकर उसकी फ्रेंड भाग जाती है। वो हेल्प मांगने के लिए वहां से भाग गए। टेरेस और लॉरेन ने जब देखा तो मैडम को मारने के लिए उसे नदी के पास लेकर आए। ये प्रिटेंड करने वाले थे कि नदी के पास ये पिकनिक के लिए आए और मैडम की डेथ हो गई। इनके पास की वाइन में लॉरेन ने पॉइजन मिला दिया। टेरेस के हाथ में भी चाकू था। इन दोनों ने एक दूसरे का प्लान नोटिस किया। ये डिसाइड करते हैं कि मिलकर सुसाइड कर लेंगे। पॉइजन से डेथ होना ये जरा इजी है। दोनों ने मिलकर सुसाइड कर ली। मैडम को ढूंढते हुए उसके फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने उसे बचा लिया। इसी तरीके से इस मूवी की एक ट्रेजिक एंडिंग हो जाती है। टेरेस और लॉरेन ने एक साथ रहने के लिए कमिल की जान ले ली। मर्डर की गिल्ट ये खुद सहन नहीं कर पाए। इनका जीना हराम हो गया था। किसी को मारकर ये अच्छी लाइफ जी नहीं सकते। यही आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।